चीज मुझे आप लोग से शेयर करना था कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था IQ90 का, वहां पे मैंने गिव अवे कंटेस्ट रखा था और आप लोग कंटेस्ट पे पार्टिसिपेट किए हो तो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो आप लोग जाके वीडियो देखना और पार्टिसिपेट जरूर करना। आप लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं इस कंटेस्ट में, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ कि इसकी जो विनर है, जो मैंने गिव अवे कंटेस्ट रखा था, उसकी जो विनर की अनाउंसमेंट है वो मैं 5 अप्रैल को जो है कर दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। और भाइयों क्या हाल है। और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने मंगा लिया है Nothing Phone 2A का टेम्पर ग्लास। काफ़ी खोजना पड़ा, इसकी अच्छी शेप की जो है टेम्पर ग्लास नहीं मिली थी एज टू एज वाला, बट मैंने यहाँ पे अमेजन के थ्रू मंगाया है। सारा चीज़ मैं बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये टेम्पर ग्लास कैसा है और लगा के यहाँ पे देखेंगे कि टेम्पर ग्लास की फिटिंग वगैरह कैसा है। अच्छा निकलेगा तो आप लोग भी जाके परचेस कर सकते हो, और अच्छा नहीं निकलेगा तो आप लोगों को वीडियो में पता चली जाएगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट हाँ काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोग लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे भी अच्छी तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देने के लिए। तो चलो यहाँ पे इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलो कुछ इस तरह का पैकेट रिसीव होता है अगर आप अमेजन से ऑर्डर करोगे तो, और इसकी प्राइस वगैरह मैं आगे बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और बस ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल से टेम्पर ग्लास है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने और यहाँ पे उसके साथ मंगाया, ये कॉम्बो में था, वो मैं आगे दिखाता हूँ क्या है। तो कुछ इस तरह का टेम्पर ग्लास आप लोग को मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो, देखते हैं एज टू एज है कि नहीं। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे वाइप्स मिल जाता है आप लोगों को। और इसमें और एक चीज़ मैंने मंगाया था, ये कॉम्बो में था, और ये चीज़ आपके नथिंग फोन अगर आप यूज़ करते हो तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है आपके नथिंग फोन में। पहले टेम्पर ग्लास लगा कर देख लेते हैं कि कैसा फिटिंग है, उसके बाद ये भी आप लोग चीज़ लगा के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है। ये कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है कि भाई नथिंग फोन डू है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा दे रहा है, और इसको मैं निकालता हूँ, मज़ा आ गया। अब वीडियो को करते हैं थोड़ा स्पीड अप और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, उसके बाद बताते हैं कैसा है। ये देख सकते हो हद कंजूसी है यार, देखो छोटा सा एक मिला है वेट वाइप्स। दिखाऊं तो फिट सही हुआ है, बट पूरा ये जो है एज टू एज नहीं है। आई थिंक नथिंग फोन 2 का ये टेम्पर ग्लास है और इसको नथिंग फोन 2A में दिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हो कॉर्नर में जो है ये पूरा राउंड शेप में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा छूट गया है। अब मैं यहाँ पे केस लगा के देखूंगा कि ये हैंडल कर पाता है या नहीं। ये ट्रांसपेरेंट केस है, हाँ। तो चलो एक चीज़ अच्छा है इसकी कि भाई ये आप केस लगा सकते हो इस टेम्पर ग्लास के ऊपर और ये जो है निकल नहीं रहा है, ये चीज़ बढ़िया है। तो देख सकते हो आप लोग ऊपर में, देखो ऊपर में यहाँ पे जो है पूरी तरीक़े से यहाँ पे एज टू एज कवर नहीं हुआ है, और हल्का सा यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो हल्का सा देखो यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है। तो पूरी तरीक़े से ये जो है फिट नहीं बैठ रही है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छी तरीक़े से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कि जो डिस्प्ले है वो यहाँ से सिमेट्रिकल बेजल तो है ही, और उसके साथ जो है साइड में 4 कॉर्नर राउंड शेप में है। तो ये अगर स्क्वायर रहता तो यार कोई भी टेम्पर ग्लास आप इजीली लगा सकते थे। और यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे एज में अगर आप लोग देखो, देखो ये एज में देखो ये हल्का सा जो है आई थिंक 5% यहाँ पे छूट गया है बेजल, बट यहाँ पे ऊपर में ये अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ड्रॉप प्रोटेक्शन भी आपका जो है अगर फोन गिरता है तो ये प्रोटेक्ट करेगा। बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका मैंने बात किया था कि भाई यहाँ पे ये चीज़ लगाना है ज़रूरी, और ये मैंने कॉम्बो में मंगाया है। तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये क्या है। ये दो छुट्टू छुट्टू सा आप लोग देख सकते हो, ये है कैमरा का प्रोटेक्टर, ठीक है। जब भी आप नथिंग फोन 2 में केस लगाते हो या नहीं भी लगाते हो, जब भी आप ऐसे रखते हो तो इसकी कैमरा बम जो है वो उठा हुआ है, तो सबसे पहले यही टच होगा सरफेस पे, और स्क्रैच में भी सबसे पहले का इसी का रिस्क ज़्यादा है कि स्क्रैच हो, ठीक है। ये जो दो कैमरा है तो इसके लिए जो है
आपको ये लगाना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप लोग नथिंग फोन 2 यूज़ कर रहे हो, ताकि आपके कैमरा के ग्लास के ऊपर स्क्रैच ना हो। तो चलो मैं यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, और ये मैंने कॉम्बो में मंगाया है, उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दूंगा। और मैंने आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो है ये टेम्पर ग्लास था, ये तो अच्छी तरीके सेट हो गया है। और एक बार कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं कि कुछ कैमरा वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कैमरा वगैरह भी जो है आराम से काम कर रहा है कुछ। तो ये चीज आप लोग को जरूर लगा लेना अगर आप नथिंग फोन 2 यूज कर रहे हो। अब देखो ये अमेजन से जो मैंने मंगाया है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, तो आप लोग लिंक में क्लिक करोगे ना तो ये दोनों चीज आप लोग एक साथ मिल जाएगा, टेम्पर ग्लास और ये आपका कैमरा का टेम्पर ग्लास दोनों एक साथ कॉम्बो में मिलेगा। और इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 145 रुपीज़, तो 145 रुपये में जो है ये मैंने टेम्पर ग्लास मंगाया है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो, अगर आप लोग नथिंग फोन 2 यूज करते हो तो आप लोग ले सकते हो। और कोई अच्छा एज टू एज टेम्पर ग्लास अगर इस बीच में अगर मुझे दिखता है तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना था नथिंग फोन 2A का, और भी कई सारे नथिंग फोन 2A का मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और भी कई सारे वीडियोस भी आने वाले हैं नथिंग फोन 2A का, इसका एक फुल रिव्यू भी आने वाला है, 10 दिन के ऊपर हो गया तो इसका फुल रिव्यू भी मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और तो चलो यहाँ पे इस वीडियो में इतना था, वीडियो अगर हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैं फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जस्ट टेक केयर और अपना ख्याल रखना।